गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। महंत दिग्विजयनाथ के 91वीं एवं महंत अवैधनाथ के 6वीं पुण्यतिथि पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य वक्ताओं ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शुभारंभ, भारत में एक नए युग का आरंभ विषय पर रखे अपने विचार, कहा श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण एक नए युग का है शुभारंभ। दो दिवसीय दौरे पर रविवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद सोमवार को लखनऊ हुए रवाना। 5 सितंबर को पुण्यतिथि समारोह के समापन अवसर पर आ सकते हैं गोरखपुर। मंडल जैन नालिकर ने महाराजगंज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी, अपर निदेशक स्वास्थ्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अन्य अधिकारियों के साथ जनपद में कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा। प्रतिदिन कोरोना की 3000 टेस्टिंग के दिए निर्देश। साइबर सेल और थाना सहजनवा की संयुक्त टीम द्वारा खाते में ऑनलाइन 75,000 रुपए की फर्जी तरीके से धन निकासी करने वाले 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 1 जियो राउटर और घटना में प्रयुक्त सिम किया बरामद, भेजा जेल। एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने दी जानकारी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने शहर के शॉपिंग मॉलों के दुकानदारों, बलदेव प्लाजा के दुकानदारों, ऑटो रिक्शा चालकों, शाही मार्केट के दुकानदारों को अपने अपने कर्मचारियों की कोरोना की जांच और सतर्कता बरतते हुए लोगों को कोरोना के जांच के लिए प्रोत्साहित करने का किया अनुरोध। कोविड महामारी के खिलाफ जंग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की मदद लेने की पहल हुई शुरू। चिकित्सकों को शासन की ओर से दिया जाएगा निर्धारित मानदेय, सीएमओ डॉक्टर श्री कांति वारी ने दी जानकारी। कहा होम आइसोलेट मरीजों को चिकित्सकीय आवश्यकता अनुसार दिया जाएगा पल्स ऑक्सीमीटर। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज के 91वीं एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ महाराज के 6वीं पूर्ण तिथि के उपलक्ष्य में आयोजित श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन कथा व्यास ने किया अयोध्या धाम का वर्णन। कहा जीवन में कर्म, ज्ञान व भक्ति, इन तीनों की होती है आवश्यकता। गोरखपुर में सोमवार को मिले 297 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9,407, 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई मौत, 6,550 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं घर, कुल एक्टिव केस हुए 2,724, सीएमओ डॉक्टर श्री कांतिवारी ने दी जानकारी। गोरखनाथ मंदिर द्वारा प्रस्तावित गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स का गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ द्वारा किया गया विधिवत भूमि पूजन, जल्द मिलेगी विस्थापितों को दुकानें। और जेईई और नीट की परीक्षा को तत्काल स्थगित करने और गरीब व मध्यवर्गीय परिवार के छात्रों की 6 माह की फीस को माफ किए जाने को लेकर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, अपर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, अपनी मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग।